कोई ये ना सोचे कि सीपैक पीसफुली गुजर जाएगा और पीसफुली वहां से चाइना के ट्रक दनादन करते हुए तेल लाएंगे और ट्रेड होगा, वो नहीं होने देंगे हम, भारत नहीं होने देगा कम से कम, क्योंकि वो गिलगित बाल्टिस्तान के थ्रू जाता है। कल परसों हमने अपना नया एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च करा, किस लिए लॉन्च करा हमने? हिंदुस्तान में बात हो रही है तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की, हमें चाहिए नहीं चाहिए वो अलग बात है, लेकिन वो किसके लिए कर रहे हैं हम? यूरोप के लिए थोड़ा ना कर रहे हैं। चीन, दुबई, कतर और सऊदीया ने भी इस मर्तबा मदद नहीं की, ना ही IMF का बेल आउट पैकेज आया। अमरीकी इमदाद की शरायत पर चीन को शदीद तहफ्फुज़ात। यहाँ पर होता है खत्म, आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर बात हो रही है। ओरिया मकबूल जान और मेजर गौरव आर्या दोनों एक साथ बैठे हुए हैं और यहाँ पर बात हो रही है सीपैक को लेकर। ओरिया मकबूल जान चीन को लेकर कुछ ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, हालांकि उसने कुछ ऐसी बातें नहीं की। पहले एक वीडियो मैंने अपलोड किया था, बहुत पहले की बात है, जिसमें कुरान हदीस का सहारा लेकर इसने बोल दिया था कि ऐसा लिखा है कि सिंध की बर्बादी, सिंध हिंद की बर्बादी का कारण होगा चीन। मतलब आप समझ सकते हो, चीन उस टाइम पे कोई कंट्री भी नहीं था, और हिंदुस्तान नाम भी ऑब्वियसली हिंदुस्तान नाम भी बहुत बाद में आया, और इस तरीके का इसने कुछ बात की तो सिंध का वर्ड यूज़ किया। तो मैंने सोचा कि भाई हिंदुस्तान का हिस्सा था, ऑब्वियसली पाकिस्तान सिंध वहीं पर है, तो जो चीन का ये जो मतलब बता रहा है ये शायद पाकिस्तान के साथ होगा, क्योंकि हिंदुस्तान का हिस्सा वो था। मैंने बहुत पहले वीडियो अपलोड किया था, पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, फिर वीडियो के लास्ट में करते हैं इस टॉपिक पर बात। प्लीज चैनल को, अगर चाइना को ये लगता है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, क्योंकि उसने 60-65 बिलियन डॉलर लगाने हैं इसमें और वो बिल्कुल पीसफुली हो जाएगा। देखिए, पीसफुली चाइना को कोई रहने नहीं देगा ये, और ये चाइना जानता है। क्यों चाइना कह रहा है कि हम अफगानिस्तान से भी निकाल लेते हैं, हम यहां से भी कर, चाइना इज लुकिंग फॉर ऑप्शंस। जो आर्या साहब ने बात करी, ठीक बात करी, आई एग्री विथ हिम। चाइना ऑप्शंस अपने निकाल रहा है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी कल परसों हमने अपना नया एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च करा, किस लिए लॉन्च करा हमने? हिंदुस्तान में बात हो रही है तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की, हमें चाहिए नहीं चाहिए वो अलग बात है, लेकिन वो किसके लिए कर रहे हैं हम? यूरोप के लिए थोड़ा ना कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए थोड़ा ना कर रहे हैं। तो कहने की बात यह है कि चाइना की कंटेनमेंट सीपैक में भी होगी, मलाका में भी होगी, हर जगह। अब कौन कितना सक्सेसफुल होता है इसमें, चीन हावी हो जाता है, भारत हावी हो जाता है, अमेरिका हावी हो जाता है, वो तो आने वाली तारीख बताएगी। लेकिन कोई ये ना सोचे कि सीपैक पीसफुली गुजर जाएगा और पीसफुली वहां से चाइना के ट्रक दनादन करते हुए तेल लाएंगे और ट्रेड होगा, वो नहीं होने देंगे हम, भारत नहीं होने देगा कम से कम, क्योंकि वो गिलगित बाल्टिस्तान के थ्रू जाता है। बाकी चाइना जो है 200 अरब डॉलर इन्वेस्ट करे पाकिस्तान में, 200 अरब डॉलर इन्वेस्ट करे, बिल्कुल वो चाइना और पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है, भारत का कोई लेना देना नहीं है इसमें। लेकिन वो जो मैंने 1994 का हवाला दिया था, जो हमारे पार्लियामेंट का, भारत मानता है कि गिलगित बाल्टिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत की टेरिटरी है, वहां से चीन आएगा तो चीन को इसके रिपरकशंस होंगे, और जितना सीपैक है ना उससे दुगनी ट्रेड भारत के साथ चीन करता है, भारत के साथ हर साल हमारी 125 अरब की ट्रेड है। तो ऐसा नहीं है कि चीन भारत को हल्के में ले सकता है। तीसरी बात, जो आर्या साहब ने बोला ना कि अमेरिका यही चाहता है कि लोग खरीदें हथियार, जाहिर सी बात है अच्छे हथियार हैं, लोग खरीदेंगे और क्यों ना खरीदें, मतलब ठीक बात है, हम भी बेच रहे हैं, हमारा भी तेजस जहाज है जो लोग खरीद रहे हैं, हम भी हथियार बेच रहे हैं, ऐसी बात नहीं, सिर्फ अमेरिका बेच रहा है, चाइना भी बेच रहा है, रशिया भी बेच रहा है, अब इंडिया भी लग गया, इंडिया भी बेच रहा है। कहने की बात यह है कि फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए किसी भी मुल्क की, फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है। हम अमेरिका से भी हथियार खरीदेंगे, हम रशिया से भी खरीदेंगे, चीन से इसलिए नहीं खरीदेंगे चीन के हथियार नकली है बिल्कुल, तो वी डोंट बिलीव। हमारे यहां कहते हैं चीन के बारे में, आई डोंट नो आपको इसके बारे में पाकिस्तान में कहा जाता है कि नहीं, इंडिया में बड़ा मशहूर है कि चल गया तो चांद तक वरना शाम तक, चीनी माल के लिए कहावत है एक, तो वी डोंट ट्रस्ट। और चाइना हमें बेचेगा भी नहीं हथियार, ना हमें चाइना से चाहिए, क्योंकि चाइना से अच्छे अच्छे हथियार वेस्ट से मिल रहे हैं, राफेल ये सब मिल रहे हैं आपको, यूरो फाइटर मिल रहा है आपको, ग्रिपन के हैं ये सब एयरक्राफ्ट है, तो वी डोंट नीड चाइना, बट यस चाइना के साथ हमारी ट्रेड है। एक बात जो कही ना ओरिया साहब ने, बांग्लादेश से लोग आते हैं, रोहिंग्या भी यहां पे आते हैं, 1971 की जंग हुई थी उसके कई वजूहात थे, उसमें से एक रीजन ये भी था, हमारी जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उनकी स्पीच है, बीबीसी को इंटरव्यू दिया है, वो आप यूट्यूब में जाके चेक कर सकते हैं, उन्होंने उस समय स्पीच दी थी जंग से पहले, और ये जंग तो हुई थी दिसंबर में शुरू हुई थी जंग, लेकिन उन्होंने ये स्पीच गर्मियों में दे दी थी, अप्रैल मई जून जुलाई के बीच में, अगस्त तक उन्होंने स्पीच दे चुके थे कि असली जो हमारा प्रॉब्लम है वो ये है कि वहां पे बंगालीज जो हैं वो लाखों की तादाद में भारत में आ रहे हैं उस जमाने में,
उनका यह था कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, पाक फौज वहां पर जुल्म कर रही है। फिर वही बात होमदूर कमीशन रिपोर्ट, जिसके कुछ कुछ अंश मिलते हैं, बाकी तो हमने कभी नहीं पढ़ी होमदूर कमीशन रिपोर्ट, हमने नाम सुना है उसका, बट वी आई हैव नॉट पर्सनली रेड इट, तो मैं कह नहीं सकता। मुझे लगता है कि डीक्लासिफाई अभी तक नहीं हुई है, इतना मुझे पता है उसके बारे में कि डीक्लासिफाई नहीं हुई है। अच्छा, ये जो बात इन्होंने कही ना कि अमेरिका, देखिए बात यह ना कि अमेरिका हर एक मुल्क को डील करना है दूसरे मुल्क के साथ। तो हमने ईरान के साथ तेल खरीदा, ईरान से हमने तेल लिया जब ईरान के ऊपर शदीद सैंक्शन थे। क्यों? हमें जरूरत नहीं थी ईरान से तेल खरीदने की, हमें बिल्कुल जरूरत नहीं थी। सऊदी से हम तेल खरीदते हैं, उस समय ईरान कितना सस्ता दे रहा, 10% 20%। हमारा तो ऑलरेडी चल रहा था वहां से तेल का, सऊदी से, और चल रहा है आज से नहीं, कई 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 दिहाइयों से, कई दशकों से चल रहा है। हमने ईरान से तेल इसलिए खरीदा क्योंकि अमेरिका ने बोला था मत खरीदो। देखिए इसमें भी एक देयर इज अ जियोपॉलिटिकल थिंग। आपको अपने आप को खुद मुख्तार अगर दिखाना है तो फिर आपको थोड़ा सा खून बहाना पड़ेगा, खुद का, दूसरे का नहीं, खुद का। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको इज्जत दें और खुद मुख्तार आप बने, तो आपको करना पड़ेगा। अमेरिका कितना लेट गया सामने, किया कैटसा लगा देंगे, कैटसा आपके ऊपर लगा देंगे सैंक्शन, लगा मतलब तुम्हारी, देखो तुम्हारे सैंक्शन तुम्हें लगाने, तुम लगा दो। आपकी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा बैरोमीटर जो है वो आपके फॉरेक्स रिजर्व्स हैं। आज की तारीख में अमेरिका और रशिया जो भारत की इज्जत करते हैं, इसलिए नहीं कि भारत उनको योगा सिखाता है या उनको हमारी बॉलीवुड की फिल्में बहुत पसंद है, वो इसलिए इज्जत करते हैं क्योंकि 600 अरब डॉलर हमारे पास है और उनको उनमें से कुछ पैसा चाहिए। ये दुकान है बहुत बड़ी ना, दुनिया मंडी है, ये सबको चाहिए। और हम सिर्फ अमेरिका से, हम सिर्फ, आखिरी में ये कहूंगा, हम सिर्फ अमेरिका से हथियार नहीं खरीद रहे। ऐसी कौन सी फॉर्च्यून 500 कंपनी है जो इंडिया में नहीं है? और अमेरिका की कौन सी ऐसी बड़ी नामचीन कंपनी है जहां पे इंडियंस उनके बोर्ड में नहीं है, उनके चेयरमैन नहीं है, उनके सीईओ नहीं है, या उनके टॉप वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट लेवल पे नहीं है? हमने अमेरिका के साथ अपनी इकोनॉमी को इंटर ने देखा किस तरीके से उरिया मकबूल जान को जवाब दे रहे हैं मेजर साहब। मेजर साहब ने क्लियर बोल दिया है, अगर सीपैक निकला गिलगित बाल्टिस्तान से तो हम इसे कंप्लीट नहीं होने देंगे। सीरियसली, पीओके का हिस्सा है गिलगित बाल्टिस्तान और वहाँ से अगर सीपैक गुजरता है तो ऑब्वियसली हम कैसे उसे कंप्लीट होने दें। हालांकि मुझे लगता नहीं है कि वो नौबत भी पहुँचेगी, क्योंकि बलूचिस्तान से भी नहीं निकलने देंगे, केपीके से भी नहीं निकलने देंगे। बलूचिस्तान में आपको पता है चीनी इंजीनियरों को कैसा बुरी तरह से मारते हैं बलूच फ्रीडम फाइटर। केपीके में भी अभी एक बस में ब्लास्ट हुआ था, जिसको ये लोग पाकिस्तान मीडिया वाले बोल रहे थे एसी में ब्लास्ट हुआ, जिससे वो 9 चाइनीज़ इंजीनियर मारे गए। हालांकि ऐसा होता नहीं है एसी में ब्लास्ट हो बस की, ऐसा कभी आपने बहुत कम सुना होगा। पाकिस्तान में ऐसा होता है, अगर कोई बम फटे तो ट्रांसफार्मर रहते हैं उसका ब्लास्ट बताते हैं, या तो फिर एसी के बस का ब्लास्ट बताते हैं। इनके यहाँ ये बहुत पुराना मतलब चला आ रहा है। तो दोस्तों, जो मतलब सीपैक है, या जो आप देख सकते हैं कि जो अफगानिस्तान में अभी भारत के जो तालिबान के साथ रिश्ते बढ़ रहे हैं, उसको लेकर भी पाकिस्तान एक अलग टेंशन में। हालांकि मुझे लगता है ये सीपैक प्रोजेक्ट अपने आप में ही एक इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट होने वाला है, क्योंकि आपको पता है रीज़न, पाकिस्तान अगर खुल के चीन के पास गया तो यहाँ से जो उनको लोन वगैरह मिलता है IMF से या US से, वो टोटली बंद हो जाएगा। तो चीन का ये प्रोजेक्ट तो मुझे नहीं लगता कि कभी पूरा होगा। आपको क्या लगता है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और अगर होगा भी तो POK से तो भारत गुजरने देगा नहीं, भले ये कितनी भी मेहनत कर लें, ये कितना भी अभी छोटे छोटे कर लें, रोड बना लें, लेकिन वो फाइनल जो मतलब एक प्रोजेक्ट कम्प्लीट होता है वो नहीं होगा। आपको क्या लगता है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय